हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम साली, यू वाचिंग अ साली चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो इंटरेस्टिंग है जस्ट बिकॉज हमने 10 टिप्स देने वाले हो आप। अगर आप ऑयल पेस्टल ड्राइंग बनाते हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको समझ में आएगा कि कैसे आप और भी ज्यादा अपना बेटर कर सकते हो ऑयल पेस्टल ड्राइंग को। एंड या गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक। एंड या गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला मेरा टिप्स रहेगा बिगनर्स को कि आप लोग आउटलाइन ज़रूर करें, और आउटलाइन वो भी पतला पतला नहीं, मोटा मोटा, क्योंकि आपका कलर अंदर जा सकता है अगर आप पतला पतला आउटलाइन करोगे, और आपको कलर बहुत ज़्यादा नज़दीक लाना पड़ेगा। और जितना आप मोटा आउटलाइन करोगे उतना आपको ईजी होगा कलर फील करने में। सेकेंड टिप्स रहेगा मेरा स्क्रैचर पे, जो कि स्क्रैचर बहुत कोई लाइटली ले लेते हैं कि स्क्रैचर कुछ भी आप लोग कर सकते हो, फेंक सकते हो, उससे खेल सकते हो। तो यहाँ पर यार, ड्राइंग करने के लिए आपको मिला है स्क्रैचर, तो आप स्क्रैचर से ड्राइंग करो और बहुत अच्छी तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ब्रांचेस या फिर आपको कोई भी लीव्स में आपको करना है तो आप इजीली हाईलाइट कर सकते हो, जिसमें कि आपका सबसे पहले लाइट कलर एंड देन डार्क कलर करना पड़ता है और स्क्रैचर यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। थर्ड टिप्स रहेगा मेरा ब्लेंडिंग टूल्स पे, जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू पेपर से आपको ब्लेंडिंग करने आना चाहिए। अगर आपको ब्लेंडिंग आ गया है तो बहुत अच्छा अच्छा आप ड्राइंग कर सकते हो। एंड या गाइस, आपको इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल रहता है। आपको पहले लाइट प्रेशर यूज़ करना है, फिर आपको अपना जितना प्रेशर है आप लगा सकते हो। पहले ही आप अपना पूरा प्रेशर लगा दोगे तो आपका कलर बहुत ही ज़्यादा बिखर जाएगा और आपका जो है फटने के कगार में भी आ जाता है टिश्यू पेपर पर। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो कि बहुत बिगनर्स से फॉरगेट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कहीं ना कहीं जगह छोड़ कर रखा हूँ ऑयल पेस्टल ड्रॉ करने के लिए डार्क कलर को। तो आपको अगर आपको डार्क एंड लाइट कलर मिक्स करना है तो आपको कलर्स छोड़ना पड़ेगा आपको जहाँ पर डार्क कलर करना है। आप अगर डार्क कलर का प्लेस छोड़ोगे लाइट कलर करते समय तो आपको बहुत इजीली ब्लेंडिंग हो जाएगा और आपका डार्क कलर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फिफ्थ टिप्स रहेगा हम लोगों का स्टार्स पे। अगर आपको स्टार्स, ग्लोइंग स्टार्स बनाने हैं तो आपको पहले वाइट कलर देन वाइटनर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका और भी ज़्यादा ग्लो करेगा आपका स्टार्स और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सीनरी। एंड देन आप नेट क्लोथ का यूज़ करें, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा ग्लो करने का मतलब अच्छा दिखता है कलर, जिससे कि आपका थिन हो जाता है कलर और वहाँ पर वाइटनेस दिखता है। एंड देन आप वाइट कलर कर दो आपको वाइटनर के ऊपर पर। सिक्स्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि आपको लाइट कलर करते समय डार्क कलर को इग्नोर करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपका कोई भी सीनरी है जिसमें कि आपका लाइट एंड डार्क कलर दोनों है, तो आप डार्क कलर को इग्नोर करके पहले लाइट कलर को पूरा कंप्लीट करके ब्लेंड कर लो एंड देन आप उसमें ब्लैक कलर चलाओ, जिसमें कि आपका कलर ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, या फिर कोई भी डार्क कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क रहता है उससे कि आपका फैलने का ज़्यादा चांसेस रह जाता है। इसीलिए आपको टिश्यू पेपर कर लेना चाहिए आपको लाइट कलर पे, एंड देन आप ब्लैक कलर करो, जिसमें कि आपका फैलने का भी डर बिल्कुल नहीं रहेगा और आप बेझिझक आप इजीली डार्क कलर को भी इजीली ब्लेंड कर सकते हो लाइट कलर के ऊपर। सेवन्थ पॉइंट ये है कि आपको HB पेंसिल यूज़ करना चाहिए ऑयल पेस्टल ड्राइंग्स में, क्योंकि अगर आप HB पेंसिल के अलावा कोई और पेंसिल यूज़ करते हो तो आपका कलर जो है कोई भी नॉर्मल पेंसिल का डार्क कलर होता है नॉर्मली, और आपका कलर जो है वो बहुत इजीली चढ़ जाता है पेंसिल का कलर कोई भी सीनरीज में, और आप ब्लेंड करोगे टिश्यू पेपर से तो आपका कलर बहुत इजीली फैल सकता है। इसीलिए आप HB पेंसिल, जो कि सबसे ज़्यादा लाइट होता है पेंसिल में, तो आप वो यूज़ करो और आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको कोई भी डर नहीं रहेगा HB पेंसिल यूज़ करते समय से। 8 टिप्स ये है कि अगर आपको ऑयल पेस्टल ड्राइंग बनाना है और उसमें अगर आपका सन एंड मून है तो आप उसमें बिल्कुल भी पेंसिल का कोई भी यूज़ ना करो, कोशिश करो कि आप कलर से ही आप इजीली आउटलाइन ड्रॉ कर लो, जिसमें कि आपका जो है ब्लैक कलर पेंसिल का नहीं दिखेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा शाइनी। 9 टिप्स ये रहेगा कि अगर आपको ऑयल पेस्टल ड्राइंग बनाना है तो आपको उसमें जो भी आपका कलर यूज़ कर रहे हो आपको उसको देखकर जहाँ पर शार्प एरिया है वहाँ पर से आप करो, नुकीले एरिया से, तो आपको कलर जो है बहुत ज़्यादा इजीली आपको डार्क कलर यूज़ होगा और आपको ब्लेंडिंग में ज़्यादा ईजी होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ पर आपको सारा का सारा कलर डार्क दिखता होगा, क्योंकि मैं हर बार कॉर्नर जो रहता है कलर के उससे करता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। 10th एंड लास्ट टिप्स ये रहेगा कि अगर आपको टिश्यू पेपर यूज़ करते हो तो आपको साइडेड बदलते रहना चाहिए, क्योंकि आपका दूसरा कलर का भी मिक्स हो सकता है। अगर आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आपका कलर मिक्स होकर बहुत ज़्यादा ख़राब लुक दे सकता है। अब मेरा सारा का सारा डू एंड डोंट कम्प्लीट हो गया है, और आप बताना कैसा लगा आपको वीडियो लाइक करके।